हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द हाउ डीएनए इज मच बेटर देन द आरएनए। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम एक्स्ट्रा पॉइंट डीएनए क्रोमोसोम कंपोजिशन एंड द व्हाट आर द मेन फीचर टू बी ए जेनेटिक मटेरियल, वो हमें यहाँ पर डील करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम, कि अगर कोई पैकिंग से क्रोमोसोम बना है तो क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या केमिकल कंपोजिशन होगी वो हमें यहाँ पर देख लेना है। तो बेटा नेक्स्ट वन है, दैट इज द नेक्स्ट वन टॉपिक इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम, कि अगर एक क्रोमोसोम बना है जो डीएनए पैकेजिंग से, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होगी। केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए क्रोमोसोम, बेटा हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहती है कि जो क्रोमोसोम बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ है, और तब की ऐसा नहीं है। क्रोमोसोम के बनने में डीएनए और हिस्टोन तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट और भी रहते हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, क्रोमोसोम नहीं बन सकते हैं। तो वो क्या क्या है, वो कंपोजिशन हमें इधर देखनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो सबसे मैक्सिमम अमाउंट है किसी भी क्रोमोसोम में बेटा, वो होती है ऑफ द स्टोन प्रोटीन। स्टोन प्रोटीन के अमाउंट सबसे ज्यादा है। स्टोन प्रोटीन की जो अमाउंट है बेटा, दैट इज नियर अबाउट 50%। किसी भी क्रोमोसोम में लगभग 50% हिस्टोन प्रोटीन मिलेगी। दूसरा जो नंबर आता है वो आता है डीएनए का, सेकेंड वन इज द डीएनए। बेटा जो डीएनए की अमाउंट रहेगी, दैट इज नियर अबाउट 40%। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे आते हैं, दैट इज द एसिडिक प्रोटीन। याद होगा आपको एसिडिक प्रोटीन, जिसको हमने नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी बोला था। ठीक है, उसकी अमाउंट होगी, दैट इज नियर अबाउट 8.5% के अराउंड होगी। दैट इज द एनएससी, नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। और जो नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है बेटा, उनका काम क्या क्या होगा वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद में फिर फोर्थ नंबर पे आता है आरएनए। आरएनए की जो परसेंटेज है किसी भी क्रोमोसोम में, दैट इज नियर अबाउट 1.2% के अराउंड होगी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि क्रोमोसोम में डीएनए के साथ साथ में आरएनए भी प्रेजेंट होगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्रोमोसोम कंटेन, आपको ऑप्शन में दे देते हैं डीएनए हिस्टोन, डीएनए स्टोन प्रोटीन, डीएनए स्टोन प्रोटीन प्लस में आपका आरएनए। तो बेटा जिसके अंदर चारों कंपोनेंट आएंगे वो चारों वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद में लिपिड की अमाउंट भी मिलेगी, ओनली इन द लिटिल बिट अमाउंट। ट्रेसेज एलिमेंट होंगे, बहुत ही थोड़ी अमाउंट में होगी, ज्यादा अमाउंट नहीं मिलेगी। और लास्ट वन में आ जाते हैं कुछ मेटेलिक आयंस, जो उनको पैक करवाने के लिए हेल्पफुल हैं, जिनके बिना प्रॉपर पैकेजिंग नहीं हो सकती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, Mg2 पॉजिटिव एंड द Fe आयरन। ठीक है जी, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ट्रेसेज अमाउंट, बहुत ही थोड़ी अमाउंट के अंदर ये प्रेजेंट होंगे। तो बेटा ये पूरा का पूरा कम्बिनेशन क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। एक क्रोमोसोम के अंदर ये सभी केमिकल्स के होंगे, प्रेजेंट होंगे, इसी से आपका एक क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, तो ये हो गया है कंपोनेंट या फिर कंपोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम, के एक क्रोमोसोम किस किस चीज को कंटेन करेगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज टू बी ए जेनेटिक मेटल। अगर जेनेटिक मेटल है कोई भी चीज, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, लेकिन उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो हमें देखने था। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मेटल, बेटा जेनेटिक मेटल में देखो दोनों चीजें आ जाती है, डीएनए भी और एज वेल एज आरएनए भी, दोनों कंपोनेंट आपके इसमें आते हैं जेनेटिक मेटल में।
क्योंकि बेटा जो कुछ लोअर वायरसेस हैं दे आल्सो कंटेन द आरएनए द जेनेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल टीएमवी, ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस दैट हैव द आरएनए द जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा आपने सुना होगा एचआईवी दैट हैव द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए द जेनेटिक मटेरियल। तो आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह ट्रीट कर सकता है एज द डीएनए। तो अगर कोई भी जो मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह ट्रीट करने लग रहा है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी। लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह ट्रीट कर सकता है, ठीक है। तो आरएनए आल्सो बिहेव एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। कुछ वायरसेस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखोगे तो टीएमवी दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस हो गया, एचआईवी वायरस हो गया, एंड द क्यूबी बैक्टीरियोफेज हो गया। दिस वन इज द बैक्टीरियोफेज, ठीक है, दिस वन इज द बैक्टीरियोफेज, एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज की भी हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे इन केस ऑफ द ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी मेटेरियल जो जेनेटिक मेटेरियल की तरह ट्रीट करने लग रहा है तो उन कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्राइटेरिया टू बी फुलफिल्ड एज जेनेटिक मेटेरियल। जेनेटिक मेटेरियल होने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया उधर फुलफिल करने पड़ेंगे बेटा? सबसे पहले कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो जेनेटिक मेटेरियल है वो हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए इक्वल अमाउंट के अंदर, ठीक है। शुड बी प्रेजेंट इन ऑल सेल विथ इक्वल अमाउंट, हर सेल के अंदर हो और वो भी इक्वल अमाउंट में हो। ऐसा ना हो कि किसी में मान लो 5 ग्राम है, किसी में 2 ग्राम है, किसी में 10 ग्राम है, ऐसा नहीं है। एक जो अमाउंट होगी बेटा वही सभी के अंदर इक्वली प्रेजेंट होनी चाहिए, कम ज्यादा आप किसी के अंदर भी नहीं कर सकते हो, सभी के अंदर प्रॉपर उसका रेशियो होना चाहिए, ठीक है। और जब भी वो डिविजन करेगा तो वो इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इक्वल अमाउंट टू बी पास इन नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में इक्वल अमाउंट क्यों होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, ठीक है, और सभी सेल में वो जाना चाहिए। उसके अलावा जो भी जेनेटिक मेटेरियल होगा वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनली चीजों को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, यानी कि वो पूरी की पूरी बॉडी को क्या करे, कंट्रोल करे। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कंट्रोल ऑल थिंग्स, उन सभी चीजों को वो कंट्रोल करे। और क्या फीचर होगा उसके अंदर बेटा? रेप्लिकेशन, कार्बन कॉपी करने की कैपेबिलिटी हो, वो खुद की ही कॉपी बना सके। जैसे हम डीएनए की बात करते तो डीएनए रेप्लिकेशन करता है, डीएनए से डीएनए बना सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ टू मेक कार्बन कॉपी और रेप्लिकेशन, कार्बन को भी बोल दो या फिर फोटो को भी बोल दो, सिमिलरिटीज, खुद की एक कॉपी और बना दे, ऐसा भी होना चाहिए। इसके अलावा और क्या फीचर हो? उसके अंदर हेरिडिटी होनी चाहिए, यानी वो जनरेशन टू जनरेशन
करेक्टर को पास करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन में तो कंट्रोल कर रहे हैं सभी चीज़ों को, बट आगे आने वाली जनरेशन में वो कंट्रोल नहीं कर रहे। ठीक है, तो शो हेरिडिटी। हेरिडिटी चैप्टर हमने पहले पढ़ा है, मेंडल वाला प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने हेरिडिटी को काफ़ी डिटेल से देखा है कि जो माँ बाप के करेक्टर वो बच्चे में कैसे जाएंगे, कौन कौन से प्रिंसिपल उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, वो सारी चीज़ हमने पढ़ी है। तो शो हेरिडिटी, और दूसरी चीज़ है वेरिएशन, उसके अंदर बदलाव भी आना चाहिए। ठीक है, लंबे समय के बाद उसमें बदलाव आए, और इवन यही बदलाव, यही वेरिएशन एक नई स्पीसीज बनाने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वन, जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल नेचर का होना चाहिए, शुड बी स्टेबल इन नेचर, स्टेबल नेचर का होगा। ठीक है, और लगभग ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जितनी भी लिखी गई हैं वो सभी किसमें प्रेजेंट है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। स्टार्टिंग में एक कॉन्ट्रोवर्सी थी, एक दुविधा थी कि डीएनए और प्रोटीन में से कौन जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, क्योंकि देखो प्रोटीन भी हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, फंक्शनली भी वो क्या करता है, एंजाइम वगैरह को करता है, और स्ट्रक्चरल सेल मेम्ब्रेन बनाने में और दूसरे कंपोनेंट बनाने में भी हेल्प करता है। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट हुए जिन्होंने प्रूव कर दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज द डीएनए, नॉट द प्रोटीन इन द आरएनए। ठीक है, तो जितने भी क्राइटेरिया हैं, जितने भी मेन मेन चीज़ें हैं, वो सारा का सारा डीएनए फुलफिल करते हैं। प्रोटीन कई जगह पर फेल हो गया, जिसे प्रोटीन है वो खुद की ही कार्बन कॉपी नहीं बना सकते हैं, खुद की वो एक कॉपी और तैयार नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो आगे जनरेशन टू जनरेशन पास आउट नहीं होता। तो ना तो वो कार्बन कॉपी बना सकता है, ना ही वो हेरिडिटी का नेचर शो करता है कि जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो सके। तो इसलिए जो जेनेटिक मटेरियल आया वो प्रोटीन को नेग्लेक्ट करके किसको माना गया, बल्कि डीएनए को माना गया। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पर हमें कुछ एविडेंसेस, कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं जो साफ साफ प्रूव करते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए, नॉट द प्रोटीन। तो वही एक्सपेरिमेंट हमें यहाँ पर डील करना है। बेटा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, जो हम 11th में भी पढ़ चुके हैं, दैट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज द ग्रिफिथ, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, दैट इज आल्सो नोन एज द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, फ्रेडरिक ग्रिफिथ था एक साइंटिस्ट, दैट इज एफ फ्रेडरिक, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, उन्होंने फर्स्ट एविडेंस दिया डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल इन, बेटा अलग अलग बुक में अलग लिखा है, किसी में 1927 लिखा और किसी में 1928 लिखा है। ठीक है, तो आप लगभग 1927 टू 27 ही लेके चलेगा, क्योंकि जो कुछ हायर पब्लिकेशन की बुक है, जो अच्छी बुक है, उनमें 1927 ही गिवन है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हमें देखते हैं। देखिए, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ का, ये हम 11th में भी पहले डील कर चुके हैं, इन केस ऑफ द पैरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, तो 11th के अंदर हमने पैरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये डील किया था। तो प्लीज़ जिन भी स्टूडेंट का वीडियो रह गया हो, मिस हो गया हो, तो वो यूट्यूब चैनल पे मुनीरा किंगडम में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर पैरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी डिटेल के साथ करवा रखे, जितना 12th में लगभग उतना ही डिटेल वहाँ पर भी बता रखी है। नेक्स्ट वन आता है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट होने के बाद में कुछ साइंटिस्ट को डाउट था, क्योंकि वहाँ पर आरएनए को कंसिडर नहीं किया गया था, और जबकि जो बैक्टीरिया है उसमें डीएनए के साथ साथ में आरएनए भी होता है। तो कुछ लोगों ने बोला कि भाई आरएनए और डीएनए में से भी कुछ हो सकता है, वो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया था इनके शब्द ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसी चीज़ को यहाँ पर सोल आउट करने के लिए, क्लियर एक प्रूफ देने के लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, दैट सेकेंड एक्सपेरिमेंट विच वॉज इन द फेवर ऑफ द डीएनए एट द जेनेटिक मटेरियल वॉज द
ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट दैट इज ऑल्सो नोन एज द बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लीकेशन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहां पर जो बैक्टीरियोफेज है, जो वायरस है, वो काफी ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑल्सो नोन एज द वायरस मल्टीप्लीकेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो बेटा ये एक्सपेरिमेंट हमें यहाँ पर डील करना है। ट्रांसफॉर्मेशन का 11th में है, ये जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, वो हमें यहाँ पर अच्छे से डिटेल से डील करना है। दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय हर्से एंड चेज। दिस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय टू फेमस साइंटिस्ट, द वन इज द हर्से एंड द सेकेंड वन इज द चेस। पूरा नाम था इनका एल्फर्ड हर्से एंड सेकेंड वन द मर्था चेज, MARTH, मर्था चेज, CHASE, मर्था चेज। ठीक, इन दोनों ने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था इन 1952। इससे पहले की जो कुछ हिस्ट्री है वो ट्रांसफॉर्मेशन वाले वीडियो में हम डील कर चुके हैं कि इन 1927 और 1928 ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं था। उसके बाद में 1944 के अंदर एवरी, मैकार्टी और मैकलियोड, उन तीनों ने उस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था। उसके बाद में 1952 के अंदर हर्से और चेज ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। ठीक है, तो बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट है उनमें उन्होंने दे यूज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता हो, है ना, उसका नाम था T2 बैक्टीरियोफेज, ए वायरस विच इन्फेक्ट या फिर अटैक ऑन द बैक्टीरिया। जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करे उसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज का मतलब वायरस। इसी तरीके से अगर प्लांट पे करे तो फाइटोफेज, एनिमल पे करे तो जूफेज। ठीक है, अगर फंजाई पे करे तो माइकोफेज, एल्गी पे करे तो फाइकोफेज। ये वहां पर हम मोनेरा किंगडम में ये सारी टर्म्स डील कर चुके हैं। तो जो बेटा एक बैक्टीरियोफेज है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, T2 बैक्टीरियोफेज। ये भी हम वायरस वाले टॉपिक के अंदर अच्छे से डील कर चुके हैं। जिस भी बच्चे ने 11th का वो वीडियो नहीं देखा हो, प्लीज उधर आप जाके जरूर देखें। ठीक है, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर करवा रखी, ऐसे दिखा। तो दिस वन इज द टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर या फिर पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर, दिस वन इज द हेड एंड बेटा दिस वन इज द टेल। वहां पर ये सभी कंपोनेंट हमने डिटेल से पढ़े हैं एंड कॉम्बिनेशन ऑफ हेड एंड टेल गिव द अपीयरेंस लाइक टैडपोल और लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे से ब्रॉड और पीछे से कैसे है, नैरो। बेटा ये जो आपको फाइबर दिखाई दे रहे हैं दीज आर द टेल फाइबर, और टेल फाइबर के जस्ट नीचे रहती है टेल पिन, दे हैव द टेल पिन। तो बेटा जो इन्फेक्शन होगा तभी किसी भी सेल पे अटैच होंगे, किसी भी बैक्टीरिया पे अटैच होंगे, तो अटैच होने के लिए टेल रीजन की रिक्वायरमेंट होगी। हेड हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा और जो टेल रीजन है वो हमेशा कहां पर रहेगा, नीचे की तरफ ही रहेगा। ठीक है, तो टेल रीजन विल इन्वॉल्व ड्यूरिंग
अटैचमेंट बाय द हेल्प ऑफ टेल पिन एंड टेल फाइबर। ठीक है, इस टेल के अंदर से एक एंजाइम भी निकल के आता है, दैट इज द लाइसोजाइम एंजाइम, जो बैक्टीरिया की सेल वाल को डिग्रेड करने के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर हम इस बैक्टीरियोफेज की कंपोजिशन की बात करें, नेचर की बात करें, तो दिस वन इज द लाइटिक इन नेचर। दो तरह की लाइफ साइकिल होती है, एक तो होती है लाइसोजेनिक और एक होती है लाइटिक। तो लाइटिक वो होती है जो किसी भी सेल के ऊपर इन्फेक्ट करे, अटैक करे, उसको ब्रस्ट अप करे और रिलीज हो जाए, तो दैट लाइफ साइकिल इन्होंने द लाइटिक लाइफ साइकिल। दूसरी होती है लाइसोजेनिक, लाइसोजेनिक का मतलब फ्रेंडली नेचर की, जो अटैक कर रहा है उसी सेल के साथ में ग्रो करेगी, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं देगी, एक बहुत लंबे टाइम के बाद में किसी एक टिपिकल कंडीशन में वो क्या करेगी, हार्मफुल इफेक्ट शो करेगी। तो बेटा जो टीटोफेज है, टीटोफेज शो लाइटिक लाइफ साइकिल। यानी कि ब्रस्टिंग नेचर की है, ब्रस्ट करने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया इसका नेचर। दूसरे अगर मैं बेटा कंपोजिशन की बात करूं, तो ये जो टीटू फेज है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, द मेन इज द प्रोटीन एंड द सेकेंड वन इज द डीएनए। और दोनों की अमाउंट बेटा लगभग 50-50% होती है, डीएनए एंड प्रोटीन अमाउंट बोथ हैव द 50-50 अमाउंट। 50% आपका प्रोटीन एंड लगभग 50% डीएनए, दोनों की अमाउंट कैसी रहती है, इक्वल रहती है। ठीक है, इसके अलावा एक लाइन बोली जाती है वायरस के लिए, इन्फेक्शन द वायरस कंपोनेंट मेनली मेक द कमेंडर्स ऑफ द होस्ट सेल। ठीक है, तो जो वायरसेस हैं कमेंडियर्स द होस्ट से, बेटा कमेंडियर्स का मतलब क्या होता है, शरण में ले लेना या फिर कंट्रोल कर लेना, कंट्रोल करना, उसको अपने काबू में ले लेना, दैट इज द कमेंडियर। ठीक है, ये इसकी बात हो गई। दूसरी अगर हम बेटा बात करें तो अबाउट इकोलाई, एक तो उन्होंने यूज किया था क्या, बैक्टीरियोफेज का यूज किया था, और दूसरा कंपोनेंट हो गया यहां पर इकोलाई बैक्टीरिया, एस्केरिया कोलाई, एस्केरिया इज द जीनस एंड कोलाई इज द स्पीसीज, दिस वन इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फ्लैजलेस की पूरी बॉडी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो दिस वन रिलेट टू द पेरिट्राइकस ग्रुप, पेरिट्राइकस ग्रुप से ये रिलेट करते हैं। पेरिट्राइकस बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा जो मोस्ट स्टडीड बैक्टीरिया, दैट इज द इकोलाई बैक्टीरिया, मोस्ट स्टडीड बैक्टीरिया इन पेरिट्राइकस ग्रुप। तो बेटा ये कुछ अभी हमने बेसिक बातें करी, अभी एक्सपेरिमेंट पे नहीं आए हैं, क्योंकि हम सीधे अगर उस पर आते तो आपको ये नहीं रहती कि इन्फेक्ट कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, कौन सा बैक्टीरिया लिया गया। तो अभी हमने बेसिक जो इसकी डीप इन्फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पर डील कर लिया। तो हर्से और चे ने दो चीज़ों का यूज किया, द वन इज द बैक्टीरियोफेज एंड द सेकेंड वन इज द इकोलाई बैक्टीरिया। तो हर्से एंड चेस चेस यूज टी टू बैक्टीरियोफेज एंड ई कोलाई बैक्टीरिया। बेटा इसे किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
कि हर्ष और चेन ने किसका यूज किया था, लैम्डा फेज का यूज किया था, इकोलाई का यूज किया था, टी टू इकोलाई, ठीक है। कोई और वायरस दे देंगे, बैक्टीरिया बैक्टीरिया दे देंगे, बैक्टीरिया का नाम बदल देंगे, इकोलाई की जगह पर आपको सूडोमोनास दे देंगे, एग्रोबैक्टीरियम दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। तो ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए कि किसका यूज किया था, ठीक है। दूसरा एक मेन आता है इसमें स्टेप, कि तब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो कौन कौन से स्टेप उन्होंने करवाए थे उनका। तो बेटा जब भी वो एक्सपेरिमेंट करते थे तो हमेशा तीन स्टेप को वो यूज करते थे। पहला होता था इन्फेक्शन स्टेप्स ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के लिए कौन कौन से स्टेप्स वहां पर यूज होते थे। तो बेटा पहला स्टेप होता था इन्फेक्शन का, कि वो बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन करवाते थे ऑन द ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, कल्चर्ड या फिर लेबल्ड फेज वर अलाउड टू अटैक या फिर इन्फेक्ट ऑन बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कौन सा था, दैट वाज द ई कोलाई बैक्टीरिया। यानी कि जो लेबल थे, जो रेडियो लेबल थे वायरसेस, उनका इन्फेक्ट किस पे करवाते थे, इस बैक्टीरिया पे करवाते थे। अब वो रेडियो लेबल कैसे बने थे वो बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम हर एक चीज को डिटेल से देखेंगे। दूसरा स्टेप आता था ब्लेंडिंग, जो बैक्टीरियोफेज थे वो इन्फेक्शन करके अटैक करके बैक्टीरिया की वाल के साथ में अटैच हो जाते थे। अब उनको सेपरेट आउट करना जरूरी था, तो सेपरेट आउट करने के लिए उस मीडिया को, उस कंजुगेशन को जो बैक्टीरिया और वायरस के बीच में है, उसको ब्लेंड करवाया जाता था, ठीक है। तो इसमें बैक्टीरियल सेल्स वर एजिटेटेड इन द ब्लेंडर टू सेपरेट आउट द वायरस फ्रॉम द बैक्टीरिया, ठीक है। तो इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल वर एजिटेटेड, एजिटेटेड का मतलब हिलाना, ठीक है, गोल गोल उसको रोटेट करवाना, एजिटेटेड टू सेपरेट द वायरस फ्रॉम बैक्टीरिया, कि ताकि वायरस और बैक्टीरिया की कनेक्शन को हटाया जा सके। तो इसलिए उसको एक ब्लेंडर के अंदर एक बीकर में उसको रख के एजिटेट करा जाता था, उसको हिलाया जाता था, जिसकी वजह से जो वायरस इन्फेक्ट कर चुके हैं, जिनका जेनेटिक मटेरियल ऐड हो चुका है, अब उनकी जो खाली कोटिंग है, जो एम्प्टी कोटिंग है, वो सेपरेट आउट हो जाए। तो इसलिए उसको एजिटेट करवाया जाता था, बीकर में डाल के एक मशीन पर रखा जाता था, ठीक है। वो स्पीड वगैरह हम सब बात करेंगे कि कितनी स्पीड थी, तब हम नेक्स्ट वीडियो डील करेंगे। थर्ड स्टेप यहां पर आता है, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। आपने नाम और टेक्निक सुने भी होगी केमिस्ट्री में, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, कि किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी मीडिया को एक हाई आरपीएम के ऊपर रोटेट करवाना, दैट इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो जो हैवी चीज होगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, और जो लाइट होगी वो कहां पर आएगी, ऊपर आएगी। तो दिस टेक्निक या फिर दिस फिनोमिना इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जो वायरस कंपोनेंट थे, वायरस पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम का मतलब उनको चक्कर लगाना, एजिटेट करवाना, सेंट्रीफ्यूगेट करवाना, देम इन ए सेंट्रीफ्यूगेस, दिस वन इज द मशीन, जिसके अंदर करवाते हो उस मशीन को सेंट्रीफ्यूज बोल गए, ठीक है। तो बेटा ये हो गए इस एक्सपेरिमेंट के बेसिक स्टेप्स, कि हम कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करते हैं, क्या क्या करते हैं। लेकिन अभी हमें इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो और देखना है। उस मेन कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे कि जो वायरस थे उनको रेडियो एक्टिव कैसे बनाया गया,
क्योंकि हमें ही पता है कि जो वायरस है वो तो आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पे ग्रो करते ही नहीं है, तो उनको सेंट सॉरी उनको रेडियो एक्टिव कैसे बनाया गया, ठीक है। कई बार टीचर्स और इवन कई वीडियो मैंने देखे हैं यूट्यूब पे, वहां पर डायरेक्ट बोल देते कि हमने वायरस को रेडियो एक्टिव बना दिया, उसको कल्चर मीडिया में रखा जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फेट और सल्फर था, तो वायरस भी रेडियो एक्टिव हो गया। ना बेटा, गलत बात है ये। आप वायरस को आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकते, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हमने उसको डायरेक्ट कल्चर मीडिया पे रखा और वो ऐसे हो गए। इसका थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे कि कैसे किया गया था और उसके बाद में फिर क्या रिजल्ट निकला, कैसे पता चला कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। ये सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बेटा देखते रहिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट शेयर लाइक करिएगा। आपके जो भी वेल विशर्स हैं, आपके जो भी फ्रेंड हैं, आप उनको भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।